हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप किस तरह से यूट्यूब पर अपना खुद का एक चैनल क्रिएट कर सकते हैं, वो भी सिक्योर तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है, पीसी में या लैपटॉप में, या फिर अगर आप अपने एंड्रॉइड फोन में कर रहे हैं तो गूगल क्रोम को ओपन करके उसको डेस्कटॉप मोड पर ऑन कर लीजिए। उसके बाद में फिर आपको यहाँ पर youtube.com को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में फिर आपको यहाँ पर एक साइन इन का ऑप्शन आएगा, जिससे आपको जीमेल को साइन इन करवाना होगा। अगर आप ऑलरेडी साइन इन हो रखे हैं तो आप न्यू अकाउंट को बना लीजिए, जीमेल अकाउंट को न्यू क्रिएट कर लीजिए। अगर आपको नहीं पता है कि किस तरह से आपको जीमेल अकाउंट क्रिएट करना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा, तो आप वहां से उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। और उसके बाद में फिर आप उस जीमेल पर टू स्टेप वेरिफिकेशन को भी इनेबल कर दीजिए, जिससे कि आपका जो जीमेल एड्रेस रहेगा या जीमेल अकाउंट रहेगा वो बिल्कुल एक तरह से सिक्योर हो जाएगा, तो उसको कोई भी अनऑथराइज्ड नहीं कर सकता है। अगर आपको नहीं पता है कि किस तरह से आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल करना है तो उसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, तो उसका लिंक भी आपको आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस वीडियो को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें करने के बाद में फिर आपको यहाँ पर अपना जो youtube.com है, यहाँ पर अपना उस जीमेल को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में फिर जब आप इस आइकन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो आपको राइट साइड में आइकन दिख रहा है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्रिएट चैनल का आपको एक ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको शो हो रहा है यूअर क्रिएटर जर्नी बिगिंस। यहाँ पर आपको गेट स्टार्टेड करना है। गेट स्टार्टेड करने के बाद में फिर आप यहाँ पर यूजर नेम, जैसे कि जो मेरा जीमेल मैंने बनाया है और जिस नेम से बनाया है, आपको उसी से सिलेक्ट, मतलब उसी से आपको यूट्यूब चैनल क्रिएट करना है, या फिर आप कस्टम नेम देना चाहते हैं तो आप कस्टम नेम देना चाहते हैं तो यहाँ पर सिलेक्ट कर दीजिए। और अगर खुद के नेम से अगर आप चैनल को क्रिएट करना चाहते हैं तो उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पर मेरा चैनल का नेम दे देता हूँ कुछ भी, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये नाम दे दिया है। यहाँ पे फिर आपको चेकमार्क लगाना है। चेकमार्क लगाने के बाद में फिर आपको यहाँ पर क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद में फिर ये थोड़ा सा लोड होगा, उसके बाद में फिर जो आपका यूट्यूब चैनल है वो क्रिएट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरा YouTube चैनल है वो क्रिएट तो हो चुका है, बट यहाँ पर मुझे अभी अपलोड पिक्चर का बता रहा है कि मैं आप पिक्चर को अपलोड कर दीजिए। तो फिलहाल तो मेरे पास में कोई फोटो नहीं है, तो मैं मेरे इसी चैनल का एक फोटो यहाँ पर डाल देता हूँ, जो कि यहाँ पर लग चुका है। लगने के बाद में फिर आप थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको चैनल का डिस्क्रिप्शन देना रहता है कि आपने जो चैनल बनाया है वो किस बारे में, आप हिंदी या इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यहाँ पर दे सकते हैं। तो आप यहाँ पर चैनल का डिस्क्रिप्शन दे दीजिए। डिस्क्रिप्शन देने के बाद में फिर आप अगर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को ऐड कराना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऐड करा सकते हैं, अपनी वेबसाइट को, फेसबुक को, ट्विटर को या फिर इंस्टाग्राम को। ये सारी चीज़ें करने के बाद में आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है, तो मैं भी सेव एंड कंटिन्यू कर देता हूँ। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं वो लोड हो चुका है। उसके बाद में फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा जो चैनल है वो बन चुका है। यहाँ पर मेरी प्रोफाइल भी दिख रही है, नो सब्सक्राइबर, अभी कोई भी सब्सक्राइबर नहीं है, तो यहाँ पर मुझे शो हो रहा है। यहाँ पर ये कस्टमाइज चैनल पर बता रहा है कि आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं गॉट इट कर देता हूँ। अगर आप वीडियोज यहाँ पर डालते हैं, कोई भी वीडियो अगर आप डालेंगे तो यहाँ से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। साथ ही में अगर आपको यूट्यूब स्टूडियो को ओपन करना है तो आपको यहाँ पर अब YouTube स्टूडियो का एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ से आप YouTube स्टूडियो में जाकर और अपने पूरे चैनल को कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको ओपन करके भी बता देता हूँ। सो फ्रेंड्स, हम YouTube स्टूडियो पे आ चुके हैं, तो यहाँ पर हमारे पास में कोई भी वीडियो नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये अपलोड वीडियोज का बता रहा है। तो जैसे ही आप वीडियो डाल देते हैं तो जो आपकी करंट वीडियो रहती है वो यहाँ पर शो होती है। उसके बाद में आपका जो करंट सब्सक्राइबर रहता है वो यहाँ पर शो होता है। साथ ही में व्यूज़ और वॉच टाइम जो रहता है 28 डेज का, वो यहाँ पर आपका शो हो जाता है। टॉप वीडियोज़ जो रहती है आपकी, वो यहाँ पर शो हो जाती है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आए हुए रहते हैं। साथ ही में आपकी वीडियोज़ जो रहती है वो यहाँ पर आपकी शो होती है, सारी वीडियोज़ वगैरह आप उसको
एडिट वगैरह कर सकते हैं। अगर आपको डिस्क्रिप्शन टैग्स वगैरह डालने हैं अपलोड होने के बाद में भी, तो आप यहाँ से डाल सकते हैं, उसमें कुछ भी कर सकते हैं। आपकी प्लेलिस्ट भी यहाँ से दिख जाती है ना, एनालिटिक्स भी आपको यहाँ से ही शो होता है। जितनी भी कमेंट्स आती है आप यहाँ से सारी कमेंट्स को एक साथ पढ़ सकते हैं। सबटाइटल अगर आप अपना YouTube वीडियो में यूज़ करते हैं तो आपका सबटाइटल यहाँ से शो हो जाता है, किस किस वीडियो पे डला है, किस किस वीडियो पे नहीं डला है। अगर आपके किसी भी वीडियो पे या कंटेंट पे अगर कॉपीराइट आता है तो वो यहाँ पर आपका शो हो जाता है। अगर आप मोनेटाइजेशन की क्राइटेरिया को चेक करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर जा सकते हैं। इसके ऊपर जाने के बाद में आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। तो अभी तो यहाँ पर लिखा हुआ है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन, क्योंकि मैंने एक भी यहाँ पर वीडियोस नहीं डाली है। साथ ही में आपको यहाँ पर कस्टमाइजेशन का मिल जाता है। तो कस्टमाइजेशन में बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके ऊपर मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। मैं एंड स्क्रीन में भी उसका वीडियो दे दूंगा जो भी बनाऊंगा इसके आगे की। उसके बाद में ऑडियो लाइब्रेरी, जिसमें आपको कॉपीराइट फ्री जो ऑडियो रहता है वो आप अपने यूट्यूब वीडियो के बैकग्राउंड में सेट कर सकते हैं, तो वो आपको यहाँ से मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें आपको बतानी ज़रूरी थी, क्योंकि आप अगर कोई सा भी यूट्यूब चैनल ओपन करते हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए कि आपका जो यूट्यूब चैनल है वो किस तरह से सिक्योर भी रहेगा और आपको किस तरह से उसको स्टार्टअप देना है। इसकी जो सेटिंग्स रहती है उसके ऊपर भी मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा। उसकी सेटिंग्स जो रहती है वो सारी आपको एक एक करके बताऊंगा, जिससे कि आपको समझ आ जाएगा कि आपको किस तरह से इस यूट्यूब चैनल को ओपन करने के बाद में क्या क्या सेटिंग करनी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।